बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित आर्मी डिपो में आज सुबह एक धमाका हुआ है जिसमें 5 लोगों की जान चली गई है जबकि 10 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस धमाके की वजह से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई है। हालांकि धमाके की असल वजहों का अभी पता नहीं चल पा रहा है। सर, ये सुबह की बुरी खबर हम कह सकते हैं वर्धा से जो आ रही है, आर्मी डिपो में हुआ है, 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। बिल्कुल, और वर्धा का जो आर्मी डिपो है इसमें गाहे बगाहे इस तरह के धमाके होते ही रहते हैं। काफी देखा गया है कि वर्धा के अंदर जो है इस तरह के हादसे होते हैं। हालांकि कई बार कमेटी बनती है, सुरक्षा के लिए एहतियातन उपाय किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के हादसे होते रहते हैं। हादसे पर तो किसी का कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मारने वाले से बचाने वाला अच्छा होता है, तो हमको भी उसी तरफ ध्यान देना चाहिए। और वाकई आज की सुबह जब मतदान हो रही है ये एक बुरी खबर है। अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइन पर है। अभिषेक, और क्या जानकारी मिल पा रही है वर्धा से? देखिए, जो नया अपडेट इसमें आया हुआ है कि करीबन 5 लोगों के मरने की खबर बताई जा रही है और करीबन 10 से नहीं बल्कि 16 लोगों के आसपास जख्मी होने की खबर बताई जा रही है। मौत का आंकड़ा इसमें और बढ़ सकता है। और सही कहा आपने, जिसके इस पूरे मामले पर यह बुरी खबर सुबह सुबह मुंबई और महाराष्ट्र के आसपास से आई हुई है, वर्धा से आई हुई है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि इसी जगह पर 2 साल पहले एक बड़ी घटना हुई थी, आग लग गई थी, कई लोग इसमें मारे गए थे, उसके बाद भी क्यों आखिरकार वर्धा का जो यह डिपो है, जो यह पुलगांव, जो वर्धा के पुलगांव में यह आता है, पुलगांव में बड़ा डिपो जो आर्मी का डिपो, क्यों आखिरकार ऐसे समय रहते हैं ऐसी कार्रवाई नहीं होती है, क्यों ऐसे उपाय नहीं होती है कि ऐसे उपाय वापस हादसे ना हो। जैसे कि आज कहा गया जो एक्सप्लोसिव होते हैं उसको नाकाम किया जा रहा था और उस वक्त ऐसा बड़ा हादसा हुआ है जिसमें अब तक जानकारी के मुताबिक 5 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इसमें आधिकारिक पुष्टि अभी तक आर्मी ने नहीं की हुई है और करीबन हमारी जानकारी के मुताबिक 16 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। यह बड़ा हादसा है और इसमें और लोग की जाने जा सकती है। सभी लोगों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया, सबका उपचार शुरू है, आसपास के लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द यहां पर सहायता पहुंचाई जाए। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि 2 साल पहले इस जगह पर हादसा हुआ था, उसके बाद वापस एक बड़ा हादसा होता है, इसका जिम्मेदार कौन? सही कहा आपने कि इस पर मामले पर कमेटी बिठाई जाएगी, इंक्वायरी होगी, लेकिन वापस फिर ऐसे बड़े हादसे अगर आगे ऐसे होते रहे तो लोगों की जान माल का नुकसान का जिम्मेदार आखिरकार हमेशा कौन होगा? जी ठीक है अभिषेक, आप नजर बना के रखिए इस खबर पर, हम फिर